एक झोला छाप डेंटिस्ट ने दाढ़ निकलवाने गए एक युवक को ऐसा इंजेक्शन लगाया कि उसकी दाढ़ तो सुन्न नहीं हुई बल्कि उसके हाथ नीले हो गए। युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगमबाग कॉलोनी में ब्रिज उतरते से ही डॉक्टर एसएस खान का दांतों का दवाखाना है। गरीब नवाज कॉलोनी का 36 साल का अनवर हुसैन पिता नासिर हुसैन 22 नवंबर को दाढ़ निकलवाने गया था। दाढ़ निकालने से पहले खान ने उसके हाथों में इंजेक्शन लगाया और कहा कि इससे दाढ़ वाला हिस्सा सुन्न हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा उसे जोर से करंट लगने का आभास हुआ और उसके हाथ नीले पड़ गए। अब अनवर को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनवर हुसैन ने बताया, ये सर दाढ़ निकलाने गए थे हम 22 तारीख के दिन बेगम बाग जमजम कॉलोनी, तो वहाँ पे उन्होंने दाढ़ के लिए मैं इंजेक्शन लगाया था सुन करने के लिए, सुन होने का। बस वो लगाया और उससे मेरा हाथ ऐसा हो गया, मुझे ऐसा लगा इंजेक्शन लगाने पे कि मैंने हाई पावर का करंट पकड़ लिया, मुझे इतना खतरनाक झटका लगा। फिर उसके बाद वापस हम आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब के पास गए, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कोई घबराने की बात नहीं, वो तो मतलब कोई नॉर्मली है, हाथ बात मुड़ गया होगा, 24 घंटे में अच्छा हो जाएगा। फिर वो हमें फ़र्क नहीं हुआ तो फिर हम दूसरी जगह गए, तो वहाँ से मतलब ये बड़ा हॉस्पिटल ने इधर ने गए तो कुछ भी मतलब हुआ नहीं इसका। कौन डॉक्टर था? जमजम क्लिनिक में नाम है उनका। जमजम क्लिनिक गए साहब बेगमबाग कॉलोनी में, डॉक्टर का नाम एसएस खान सुना है। बहरहाल अनवर हुसैन के हाथों का नीला पड़ना यह बताता है कि झोला छाप किस तरह से काम करते हैं।